हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आराधना कंप्यूटर में। आज एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा है। आज मैं आप लोग शॉर्टकट की बताऊंगा। शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो शॉर्टकट की किससे बताऊंगा? कंट्रोल से, मतलब CTRL होता है, शॉर्ट नेम होता है CTRL, और इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल। कंट्रोल के साथ मैं आप लोगों को अल्फाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक सारे की शॉर्टकट की बताऊंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, कंट्रोल ए दबाएंगे तो क्या होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल ए लिखते हैं, तो कंट्रोल ए से क्या होगा? सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मतलब सभी को सेलेक्ट करना। सभी को सेलेक्ट मतलब पेज पे जितने भी मैटर आपके लिखे रहेंगे उन सभी मैटर को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी हमारा जो होता है वो कंट्रोल बी बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब होता है पेज पे हमारे जितने भी मैटर हमारे होते हैं, पेज पे हमारे जितने भी लिखे गए मैटर होते हैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा मोटा करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है। मतलब थोड़ा सा हल्का सा मोटा करना होता है तो कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। तीसरा का देखते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरा कंट्रोल सी का। तो कंट्रोल सी हमारा देख लेते हैं, कंट्रोल सी से होता है कॉपी। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी का मतलब ये होता है हमारे पेज पर जितने भी मैटर आपके लिखे होंगे अगर उसको कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट की है, आप लोगों का ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर दूसरा आप आगे बढ़ते हैं कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी से क्या होता है? कंट्रोल डी से फॉन्ट ओपन होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिससे हम क्या करते हैं अपने फॉन्ट की सेटिंग करते हैं। फॉन्ट की सेटिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि जितने भी मैटर आपके लिखे होंगे अगर हम उसको फॉन्ट अगर मतलब दूसरी भाषा में चेंज करना चाहते हैं तो वहां से हम डायलॉग बॉक्स हमारा जो ओपन होगा उसमें आपको फॉन्ट दिया रहेगा, तो वहां से भाषा चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज बड़ी कर सकते हैं। साइज बगल में आपको साइज दिया रहेगा तो साइज को आप बड़ी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह करना है तो वहां से ये भी हम कर सकते हैं, और स्टिक करना है डबल स्टिक करना है या सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना हो तो जो भी चीजें हमें करना रहता है उसमें बहुत सारी चीजें ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कलर करना, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन को कलर करना, टेक्स्ट को कलर करना, तो बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं। तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उससे आप ओपन करके आप सारा मैटर को आप अपने जो चेंज कर जिस भाषा में चेंज करना चाहते हैं उस भाषा में हम चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कंट्रोल सी डी ई की बता हम बात करते हैं ई का। चलिए ई की बात करते हैं, कंट्रोल ई से होता है सेंटर। कंट्रोल ई से सेंटर, तो सेंटर क्या हम अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि सेंटर का मतलब होता है मध्य। मतलब अगर हमें किसी भी मैटर को मध्य से लिखना हुआ, बीच से लिखना हुआ तो कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे। तो कंट्रोल ई के बाद देखते हैं कंट्रोल एफ। ठीक है, तो कंट्रोल एफ देख लेते हैं। तो कंट्रोल एफ से हमारा होता है फाइंड। क्या हो जाता है? फाइंड। फाइंड का मतलब समझ लीजिए, फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है हम अपने पेज पे काफी बड़ा मैटर लिख चुके हैं या फिर हमारा लगभग हमारा 2 या 3 पेजों में हमारा बहुत सारा मैटर है, अगर उसमें मान लीजिए या फिर हमारे डाटा एंट्री में कई नाम है, हम एक सिंगल नाम को ढूंढना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं। फाइंड ऑप्शन आ जाता है, वहां पर हम अपने नाम को टाइप करेंगे या अपने अक्षर को टाइप करेंगे, उसको हम फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, हमारा मैटर ढूंढा जाएगा। आगे बात करते हैं कंट्रोल एफ के बाद कंट्रोल जी की बात करते हैं। ये कंट्रोल जी हुआ, तो कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है? गो टू। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू, तो गो टू का मतलब होता है जाना। ठीक है, मतलब किसी भी जगह जाना, मतलब किसी भी स्थान जो लिखे गए मैटर है उस जगह पर जाना। जैसे उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यहां पर आपको लाइन पेज सेक्शन बुकमार्क ये बहुत सारे आपको हाइपरलिंक, तो हमें जिस स्थान पे जाना होगा तो कंट्रोल जी जी की बात एच की बात करते हैं। एच से क्या होगा? रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि हमने अगले वीडियो में आपको बताया होगा कि कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। फाइंड मतलब होता है
हमारे दो या तीन पेज में काफी मैटर लिखे हुए हैं। किसी भी मैटर को ढूंढना, तो ढूंढ करके जो ढूंढे गए स्थान पर, अगर अभी ढूंढे गए शब्द के स्थान पर हमें कोई भी शब्द अगर बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स रिप्लेस का प्रयोग करके हम उस शब्द को बदल सकते हैं। तो कंट्रोल एच के बाद हम कंट्रोल आई की बात करते हैं, कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई से क्या होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा, इटैलिक। तो इटैलिक का मतलब ये होता है हमारे लिखे हुए मैटर को अगर थोड़ा सा झुकाना होता है या थोड़ा सा हमको टेढ़ा करना होता है कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल आई हो गया हमारा, लिखे गए मैटर को हमें टेढ़ा करना है, ठीक है। कंट्रोल आई की बात अब देख लेते हैं, कंट्रोल आई के बाद जे आता है। तो कंट्रोल जे की बात करते हैं, कंट्रोल जे हमने आपको कल बताया होगा, कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बराबर होना, मतलब कने बराबर हिस्सों में, तो हमारा जस्टिफाई मतलब समकरण होता है। हिंदी इसका हुआ समकरण, शाब्दिक अर्थ होता है समकरण हिस्सा होता है कि मतलब होता है बराबर रखना, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जे के की बात करते हैं, कंट्रोल के की बात कर लेते हैं। चलिए कंट्रोल के होता है, तो कंट्रोल के दबाने से हमारा इंसर्ट हाइपर लिंक होता है, इंसर्ट हाइपर लिंक। इंसर्ट हाइपर लिंक का मतलब होता है आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक आपको कंट्रोल के दबाने से इंसर्ट हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक का मतलब होता है किसी भी मैटर को, लिखे गए मैटर का अगर मान लीजिए लिंक तैयार करना होता है या किसी भी मैटर को हम लिंक में छिपाना होता है मैटर, तो कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल के का प्रयोग, मतलब हम अपने लिखे गए मैटर को लिंक में, मतलब जैसे हम वेबसाइट को ब्राउज करते हैं उसी तरह हम इसमें लिंक तैयार करेंगे और उस मैटर को हम वहां से लिंक के माध्यम से हम ओपन करके उस मैटर को वहां से देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के बाद अब देखते हैं कंट्रोल एल। अब एल की बात करते हैं, कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल का प्रयोग जो होता है, कंट्रोल एल, तो कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। हमने आपको कल अगले वीडियो में बताया होगा कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब होता है बाएं तरफ से लिखना, बाएं तरफ से मतलब आपका लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है बायां मार्ग रेखा। तो बायां मार्ग रेखा होता है मतलब बाएं से हमें लिखना हो राइट साइड में, हमारा लेफ्ट साइड में हमें लिखना हो तो हम कंट्रोल एल का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एल के बाद कंट्रोल एम की बात करते हैं, कंट्रोल एम। यहां पे कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से होता है टैब मूवमेंट।